जहां एक और पूरे देश में लोकतंत्र के पर्व की धूम है और पहले चरण का मतदान भी संपन्न हो चुका है। 26 अप्रैल को दूसरा चरण होना है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे। लोकसभा चुनाव के बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। एक के बाद एक कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। बता दें, बीते दिन 19 अप्रैल को मतदान के बाद एक बार फिर पूर्व विधायक समेत कई कांग्रेस नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। बता दें, भाजपा न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समक्ष मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव महेश गुलवानी के साथ दातिया के सैकड़ों कांग्रेसियों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। वहीं इस बीच कांग्रेस के 6 बार के वरिष्ठ विधायक, पूर्व मंत्री व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट रामनिवास रावत के भी भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को मुरैना में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में रैली करेंगे। बताया जा रहा है कि रावत पार्टी की उपेक्षा से नाराज चल रहे हैं। हालांकि रावत की तरफ से भाजपा में जाने को लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व महासचिव महेश गुलवानी के साथ पूर्व विधायक हरि बल्लभ शुक्ला, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कमल सिंह रघुवंशी, कांग्रेस के इंटरनेट मीडिया प्रभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव शर्मा, कमलनाथ के करीबी संदेश गर्ग ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इसके साथ साथ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के गृहनगर दातिया के 100 से ज़्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भाजपा को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाना है, जो लोग देश और प्रदेश के सच्चे मन से सेवा करना चाहते हैं, भाजपा में उनका स्वागत है। लोकतंत्र में राजनीति बीजेपी पार्टी करती है, परिवारवाद केवल कांग्रेस में दिखता है। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण का मतदान हुआ है, सभी जगह से अनुकूल परिणाम आएंगे, मोदी सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा सहित सभी 29 सीटों में कमल खिलेगा। इस मौके पर उन्होंने कमलनाथ पर भी तंज कसा और बोले कि पहली बार बड़े महाराज अपने घर से निकल कर अपने मतदाताओं के बीच हाथ जोड़ कर वोट मांगने निकले हैं। उनका छिंदवाड़ा मॉडल कितना खोखला है, सबने देखा है।